प्रणाम, हम छी मोनालिसा और आई हम बनाबे जा रहल छी चना के साग जे कि बहुत टेस्टी लगे छे खाए में। तो हम चना के साग के पहले निक जगह तोड़ ले लिया, जे करा डंटी होय छे वो निकाल के तोड़ के और निक जगह से धो ले लिया चार पांच पानी से, क्याकि एमे बहुत माटी रहे छे साग समय, तो निक जगह से धो लेवे पड़े छे। तो आधा किलो साग हम लेने छी और ये बनाबे के लिए सरसों के तेल और दूटा मध्यम आकार के आलू हम काट लेने छी और ये सरसों के मसाला पीस लेने छी, जेना एतेक हम ये अढ़ाई बड़ा चम्मच सरसों और चार पाँचटा लहसुन के कली और कनिक सन मरीच के दाना राख के पीस लेने छी। लेकिन एक हम सरसों के आधा घंटा फुला के पीसबे तो बहुत जल्दी पिसा जाए छे। और ये स्वाद अनुसार लेबे हम नमक और फोरन के लिए हम लेबे मेथी के दाना और मसाला में बस हरदी और लाल मिर्च के यूज करबे। तो कढ़ाई हम गैस पर राख देने छी, कढ़ाई गरम भ गेल छै, हम सरसों के तेल में बना रहल छी साग। तीन बड़ा चम्मच के तेल डेली हम एमे हम राख देबे कनिक सा मेथी दाना पाके देबे, मेथी पाक गेल छै तऽ एमे हम राख देबे आलू, आलू के हम कनिके देर मध्यम आँच पर भूज लेबे। एक दो मिनट जो हम आलू के भूज लेलियै तब एमे हम राख देबे साग। साग गलते अपने कम भर दे, साग के भी हम एक से दो मिनट भाज के भूज लेंगे। इस साग के भूजा दो मिनट भ गेल छै, तेज आँच पर भुजलिए हम, देखू सागो गल गेल छै। ऐसे की होइ छै कि साग के भुजला से एकर हरापन जे छै से खत्म भऽ जाइ छै। ताबन में हम राख देबै मसाला, ई सरसों के मसाला हम तीन बड़ा चम्मच देलिए, ऐसे ज्यादा नहीं पड़ती हमें। साथ में राख देबै हल्दी और लाल मिर्ची, ठीक है अपने हिसाब से लऽ सकै छी, साथ में स्वाद अनुसार नमक। हम निक जका हमसभ मिक्स कऽ लेबै, साथे बनेबै झाँपि के कनी देर भुजि लेबै आओर तीन चारि मिनट। नमक राखि के साग में देखू कतेक पानी छूटि गेल छै, नीक जकाँ पहिले सुखा लेबै छै, एहिसे साथ में मसाला भी फ्राई भऽ जेतै। और हम लोहे के कढ़ाई में बना रहल छी, प्राय हमरा सबके यहाँ लोहा के कढ़ाई में बनै छै, स्वास्थ्य के लागि फायदा करै छै लोहा के कढ़ाई के खाना। साथ में चावल के रोटी भी आइ हम बनेबै, चावल के रोटी बहुत नीक लगै छै, एकर और चावल के रोटी के कॉम्बिनेशन बहुत नीक लगै छै, चना के साग और चावल के रोटी। ओना तऽ ई चावल ई साग जे छै सब्जी, हमसब चावल दाल के भी साथ खा सकै छी। अब हम नीक जगह पहिले मसाला फ्राई कऽ लेबै, ई भुजा गेल छै देखू, नीक जगह सुखि गेल छै साग। तब एहिमे हम राखि देबै पानी और एहि साग में हमसब ज्यादा पानी नहि देबै, एकदम कम पानी रहै छै, एतेक भऽ गेलै। कनिक देर मजा से एकरा उबाल आबे देबै साग में ई सब्जी में, ओकर बाद हम गैस के बंद कऽ देबै। ई सब्जी तैयार छै, हम गैस के ऑफ कऽ दै छी और साथ ही में ई सब्जी के हम दोसर बर्तन में निकाल लेबै, कियाकि ज्यादा देर जे लोहा के कढ़ाई में सब्जी रहै छै तऽ काला पड़ि जाइ छै। और हम साथ में अब चावल के रोटी की भी तैयारी कऽ लै छी। ई चावल के रोटी के लेल हम पानी गर्म होय लगी राखि देलिए कढ़ाई में आटा के रान करै लेल, जेकरा कि इन्होरो कहै छै बहुत आदमी। पहिले आटा के हम सिझेबै चावल के आटा के, तऽ ई जे एक कटोरी से हम लेने छी चावल के आटा, वही से हम पौने दू कटोरी पानी के बॉयल वाला राखि देने छलियै, अभी बॉयल भऽ गेल छै। एहिमे हम आटा राखि के नीक जकाँ पहिले
गैस ऑन है तेल से आँच पर हम नीक जका रान कर लेबे ऐसे एना करे से आटा नीक जका सीझो जाए से चावल के आटा और बहुत नीक सॉफ्ट रोटी तैयार हो छे। अब हम गैस के बंद कर देबे और नीक जका पहले मिला लेबे। अब एकरा हम झाँप के कनी देर छोड़ दे छी और कनिका ठंडा होला पर हम सानि लेबे। एकरा हम निकाल लेली आटा के कढ़ाई में से, जल्दी ठंडा भऽ जेतै और आटा भी हम सानि लेबे। तऽ ई देखियौ गरमे छै, कनी गरमे गरमे सानबै और नरम आटा तैयार कर लेबे। एहिमे हम एक कटोरी आटा में पौने दू कटोरी पानी देली है, एकदम परफेक्ट छै, एहिमे पानी राखे के जरूरत नहीं छै। तऽ नीक जका हम मिला के पहले आटा तैयार कर लै छी। अब हम रोटी बेल लै छी, देखू छोट नमर अहाँ अपना हिसाब से कर सकै छी। एदे टाके लुई लऽ के हम परथन लगा के हम गहूम आटा के ही परथन लगबै छी। हम पैन भी गरम होय के लेल राख देने छी रोटी सेके के लेल। रोटी हम बेल के तैयार कर, गरम छै पैन, हम फेंक देबै और एक साइड से कनिक सेकाय देबै, ओकर बाद हम उल्टा देबै रोटी के और हम उलट देबै रोटी के। हम दोसर साइड से नीक जका सेकाय देबै और ई हम तेजे आँच पर अखन बना रहल छी रोटी। रोटी सेका गेल छै उका से, तब ओहिमे हम ई सरसों के तेल राखि देबै। अहाँ चाहे तो घी भी राख के बना सकै छी रोटी। ये कते नीक जगह फूल गेल छै, अहिना हम सबटा रोटी बना लेबै चावल के। तैयार छै हमर चावल के रोटी और चना के बादाम के साग के सब्जी और साथ में चाहिए प्याज के कतरा, जे कि हम प्याज के मही में काट के ओहिमे एक टा हरा मिर्चाई और एक टा लाल मिर्च के पका के राख देने छी काट के, और ओहिमे नून और सरसों के तेल राख के तैयार कर लेने छी। आशा से अपने सबके नीक लागल रहते हमर ई रेसिपी। हमर चैनल के सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो के लाइक और शेयर कर दिया। धन्यवाद देखे के लिए।